हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। चलिए हमेशा की तरह ही बनाते हैं एक प्याज से मटन करी। दोस्तों आज की ये मटन रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। तो ये हमारा मसाला है जो कि मीट में जाने वाला है, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा। काली मिर्च और ज़ीरा 1/2 टीस्पून है। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पर मैंने 5 लाल मिर्चें यूज़ की हैं जो कि होल रेड चिली है। तो ये है तीखी वाली लाल मिर्च और ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो तीखा नहीं होता, बस मीट में ये मसाला ऐड करता है और रंग ऐड करता है। ये है अदरक 1 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 लहसुन है जिसकी दुम और सर मैंने काट लिया है और ये इसी तरह से यूज़ होने वाला है। इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है और जो ना निकले उसे फाइबर समझकर अपने मीट में बिना टेंशन इस्तेमाल करें। इससे उसके टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि आपके हेल्थ में ये कुछ फ़ायदा ही पहुंचाएगा। स्वाद के अनुसार नमक है, यहाँ पर 3/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 kg मटन है जो कि मैंने धोकर छानकर पहले से रखा हुआ है। 1 छोटे साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ है और ये हमारा की इंग्रेडिएंट है, मसाले का पेस्ट। तो जब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी उस वक्त बताऊँगी। आप वीडियो पर बने रहें। और ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसका लिंक मैं अपने YouTube पर प्रोवाइड करूंगी, आप इसे ज़रूर देख लेना। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें, यहाँ से आपको मीट बनाना बहुत आसान हो जाएगा और सिर्फ 15 मिनट में आपका मीट आपके टेबल पर होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कुकर में हमने 75 ml सरसों का तेल डाला है और उसे गरम करना है। और अगर आप चाहें तो इसे टेबल स्पून से मेज़र कर लें, ये सर्विंग स्पून है और हर घर में मौजूद होता है। तो इससे मैंने 6 टेबल स्पून तेल लिया है। अब तेल गरम हो चुका है तो यहाँ पर हम सारे होल गरम मसाले डालेंगे और बस कुछ सेकेंड के बाद ही हमें धुला हुआ गोश्त इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम को लो पर रखें वरना तेल बहुत चटक जाएगा। अब इसी जगह हमें टमाटर भी डाल देना है और सारे मसाले को भी डाल देना है। देखिए है ना, ये बहुत ही आसान सा तरीका। अब 30-40 सेकेंड के बाद मैंने यहाँ पर एक स्पैचुला इस्तेमाल किया है। पर्पस ये है कि नीचे जो मैंने होल गरम मसाला डाल रखा था वो थोड़ा सा तेल में इन्फ्यूज़ हो जाए। अब इसे 4-5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर का एक पेस्ट सा बन जाए और सारी चीज़ें थोड़ा टेंडर हो जाए और गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने किसी भी मसाले का पेस्ट नहीं बनाया है, सारे होल मसाले ही इस्तेमाल किए हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका है मटन बनाने का और गांव में अक्सर इसी तरह से मटन तैयार किया जाता है। 5-6 मिनट से मैंने गोश्त को तलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आप देख सकते हैं मसाले का कुछ हिस्सा काफ़ी पेस्ट की तरह से तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम गोश्त के गलने के लिए पानी डालेंगे और पानी हम लगभग यहाँ पर 300 ml तक डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम को यहाँ पर तेज कर लें। अब यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं या एक चुटकी और थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी होगा। काफ़ी फ्लेवरफुल ये मसाला है और आप
पहले भी देख चुके होंगे, मैं इसी तरह का गरम मसाला होममेड अपने मीट में इस्तेमाल करती हूँ। इससे मीट करी न सिर्फ मज़ेदार बनता है बल्कि बहुत ही खुशबूदार भी बनता है। अब फ्लेम को थोड़ा धीमा कर लें और इस पर ढक्कन बंद कर लें। यहाँ से जैसे ही पहली सीटी आए हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर ही गोश्त को गला लेंगे। लगभग 15 मिनट में ये गोश्त गल कर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आती है इस पेस्ट की बारी। तो मैंने इस पेस्ट को एक प्याज की बारीक स्लाइसेस को तेल में ब्राउन करने के बाद तैयार किया और साथ में मिलाया एक टेबल स्पून पोस्ता दाना यानी पॉपी सीड्स और एक ग्रीन कार्डमम। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर थोड़े से पानी के साथ मैंने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इस बारीक पेस्ट का एक टेबल स्पून हम मीट करी में मिलाने वाले हैं। तो देखिए मीट बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ मैंने इस मीट करी में ये पेस्ट मिलाया है, साथ ही एक दो हरी मिर्च हमने मिलाई है और इसके साथ धीमी आंच पर भूनते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक के मीट से तेल सेपरेट ना हो जाए। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि पोस्ता दाना मिलाते ही मीट का कलर और टेक्सचर दोनों ड्रामेटिकली तौर पर चेंज हो गया है। फाइनली इसमें धनिया की पत्ती ढेर सारी डाल दें और देखिए आपका बेहतरीन मीट करी तैयार है। इस तरह से मटन या मीट बनाने पर बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कम प्रेशर के साथ, बहुत ही कम झंझट के साथ, बहुत ही कम समय लगाकर आप एक बहुत ही डिलीशियस डेलिकेट और फैंसी मीट करी तैयार कर लेते हैं। तो है ना ये बहुत ही अचंभे की बात कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही प्याज इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आप इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें और टेस्ट की गारंटी मैं देती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।